मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभालते हुए पूरे मामले की जांच की मांग सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी के चलते रविवार को राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीलम पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि कैग की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 3 सालों में सिर्फ 8 जिलों में ही करीब 110 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं के पोषण में हुई इस लूट के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जी पंकज जी बताइए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। न केवल भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि शर्मसार करने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला सामने आया है, जिसमें सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि 8 जिलों में 3 साल के अंदर 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी 8 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करके कलेक्टर के द्वारा महामहिम को ज्ञापन दी थी। आज ये नीलम पार्क में हमने धरना प्रदर्शन किया है और महामहिम को हमने ज्ञापन भी दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसके लिए चूंकि मुख्यमंत्री के पास सीधे तौर पर महिला बाल विकास विभाग है, तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाए जिससे निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। ये धरना प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान को ये कहने के लिए सांकेतिक है कि आपके भ्रष्टाचार की लड़ाई में भले कांग्रेस आपके साथ मिल जाती हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके एक एक ऐसे कारनामे को जनता के सामने उजागर करेगी और 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव लाएगी। और इन मामलों की जांच न केवल हम लोग यहाँ मांग करेंगे बल्कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में भी सीबीआई कार्यालय का घेराव से लेकर तमाम तरह के काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक जो घोटाले हो रहे हैं उनको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है कि ये घोटालों को पर्दाफाश करने के लिए हम एक एक आदमी के पास जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक शहर में जाएंगे। इसी की कड़ी में आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है और ये सांकेतिक धरने का आयोजन किया ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये घपला क्या है। आप जानते हैं कि इस घपले में जो बेनिफिशियरी लिस्ट थी वो टोटल की टोटल फेक है और जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड था राशन को इधर से उधर ले जाने का वो भी एक फेक लिस्ट है, जिसमें ऑटो, टैंकर, कार, टू व्हीलर, स्कूटर वो दिखाए गए हैं। और तीसरा, जिन कंपनियों से माल आया वो कंपनियां इस पोजीशन में नहीं थी कि वो राशन सप्लाई कर सके। तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये हमने सीबीआई का हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है उसमें भी 8 तारीख को ज्ञापन दिया है और 8 तारीख को जिला स्तर पर भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ और आज यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। तो आम आदमी पार्टी की यही कोशिश है कि जन जन तक ये बात पहुँचाएँ और इस जो घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में इसका पर्दाफाश करें। फिलहाल देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की मांग पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है या नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।